हेलो गाइस, वेलकम बैक टू टेस्ट स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। आज हम लोग करने वाले इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक रेडिटिव यात्री के बहुत सारे बच्चे कमेंट करे करते सर प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस लाओ, बता दो कैसे एग्जाम में आते हैं, एग्जाम का लेवल क्या होता है। देखो, प्रीवियस ईयर के कुछ ही क्वेश्चंस मैं इकट्ठा कर पाया हूं और बाकी थोड़े से और मेहनत करूंगा तो और क्वेश्चंस मिल जाएंगे। बट मतलब आपको एक मैं फॉर्मेट दिखाने के लिए दे दिया, क्योंकि पिछली बार जो क्वेश्चंस थे, ठीक है, मेरे पास जो जो बच्चों ने स्क्रीनशॉट भेजा था तो उनके मैसेजेस और कुछ मैंने वीडियोज अपलोड किए थे वो सभी देख के मैंने इकट्ठा किए, ठीक है। और जो इजी लेवल के क्वेश्चन होते हैं बच्चे वही भेज पाते हैं, ठीक है। जो देखो, मैंने पहले भी बोला था कि एग्जाम में तीन टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं, इजी, मॉडरेट और डिफिकल्ट। इजी जो होते हैं लगभग वो आपको 60% 70% देखने के लिए मिल जाते हैं, 60-70%, ठीक है। तो आप इसको 60% ही लेके चलो कि क्वेश्चन ईजी आते हैं, 20% मॉडरेट होते हैं, ठीक है। तो और बाकी के जो 20% होते हैं वो डिफिकल्ट होते हैं। तो ओवरऑल जो 60% होते हैं ज़्यादातर बच्चे वही सेंड करते हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान देना होगा जो भी क्वेश्चंस यहाँ पे है उनको सिर्फ सीरियसली नहीं लेना है कि बस इसी लेवल के आएंगे, नहीं। ये इजी लेवल के जो क्वेश्चंस आए थे मैं वो आपको शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि मॉडरेट और डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन बच्चे एक्चुअली एग्जाम देने के बाद भूल जाते हैं, ठीक है ना। और इसको स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ बोलूँगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, क्योंकि आज बहुत सारी पीडीएफ मिलने वाली टेलीग्राम पे। पिछले दो दिन से मैंने पीडीएफ दी नहीं है, तो उन सभी को और साथ में ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आज करा रहा हूँ इनको मैं टेलीग्राम पे दे दूंगा, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन कर लेना, ठीक है। और चलो स्टार्ट करने से पहले जितने भी बच्चों ने ये ईबुक नहीं लिया है जो हम लोगों ने पीडीएफ तैयार किया था, इस पीडीएफ को ले लो, क्योंकि इसके अंदर 600 क्वेश्चंस हैं। इन 600 क्वेश्चंस को बनाओ, फिर आपको पता चलेगा कि एग्जाम में देखो ये 10 सेट है, इसके अंदर 15 नहीं है, ठीक है, ओनली 10 प्रैक्टिस सेट है इसके अंदर। एक सेट के अंदर 60 क्वेश्चन है, मतलब 600 क्वेश्चंस। और ये एक सेट जो है ना, एक सेट के अंदर 60 क्वेश्चंस कैसे है, साइंस के है, मैथ्स के है, जीके के है, इंग्लिश के है, रीजनिंग है, वगैरह वगैरह सभी चीज़ें जैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं वैसे, ठीक है, बिल्कुल। इनको बना के चले जाओ, एग्जाम में आपके बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जो बना लेगा उसका एग्जाम निकल जाएगा, जो पहले से बेसिक पढ़ा होगा वही इसको बना भी पाएगा, ठीक है। जो पढ़ाई नहीं है वो इसको बना भी नहीं पाएगा ऑब्वियसली, क्योंकि जो मैथ पढ़ाई नहीं है उसमें से उसको मैथ क्या समझ में आएगा इसमें, कि जो जीके पढ़ाई नहीं है वो क्या सेट लगाएगा, ठीक है। तो इसमें जो क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट है उसके लिए जो पहले से बच्चा पढ़ा हुआ है, और जो बिल्कुल भी नहीं पढ़ा हुआ भले, मतलब वो क्या कर सकता है, अब यहाँ पे उम्मीद कर सकता है कि इसको बाई करके हम लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये प्रैक्टिस में देख लो आपके जितने मार्क्स, एक सेट में जितने मार्क्स आ रहे हैं आपके, ठीक है, उतने ही मार्क्स आपके एग्जाम में आएंगे, तो ये आपको दिखा देगा। और इसकी प्राइस बहुत कम, जस्ट 50 रुपीज़ रखी है। आप देखो लिंक के थ्रू बाई मत करो, क्योंकि लिंक के थ्रू बाई करने पे क्या हो रहा है ना कि मतलब पेमेंट आपको फेल हो जा रही है। तो इसको बाई करने के लिए मैं आपको बता ही दे रहा हूँ जाने से पहले कि मैंने लिंक दे व्हाट्सअप नंबर दे दिया, ठीक है, अपने कैंडिडेट मतलब स्टाफ का, हमारे स्टाफ है राहुल नाम है, उनका व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में है, तो उनके व्हाट्सअप से जाओ और कॉन्टैक्ट करके बाई कर लो, डायरेक्टली उनको पेमेंट कर देना, वो आपको क्या करेंगे पीडीएफ भेज देंगे इसके, ठीक है। अभी फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, बांग्लादेश की मुद्रा पूछा गया था, ठीक है। अब बांग्लादेश की मुद्रा पूछा गया था, सबको पता है कि बांग्लादेश की मुद्रा टाका होता है, बट उसके अकॉर्डिंग मैं तीन यहाँ पे गाजा की टॉपिक और क्लियर करना चाहूँगा कि जो कि मेनली एग्जाम में पूछी जा सकती है। पहली तो बांग्लादेश की कैपिटल भी पूछी जा सकती है, ढाका। देखो ढाका जो है कैपिटल और टका जो है क्या करेंसी, ये दोनों याद रखो। अब यहाँ के प्रेसिडेंट जो है, ये भी चीज़ याद रखो गाइस, प्रेसिडेंट जो यहाँ के अब्दुल हामिद है, ठीक है। और यहाँ पे मेनली ये पूछा जा सकता है प्राइम मिनिस्टर कौन है, तो शेख हसीना। तो ये तीन टॉपिक आपको साथ में याद रखने चाहिए अपने पड़ोसी देशों के बारे में, या मैं आपको कहूँगा कि चाइना के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ लेना, पाकिस्तान के सभी तीनों टॉपिक्स देख लेना, ठीक है, और इसके अलावा आप जापान के भी देख सकते हो, ठीक है। ये सभी मोस्टली पूछे जाते हैं, ठीक है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको एक बार देख लेना चाहिए। आगे देखो क्वेश्चन नंबर टू क्या कह रहा है, कि किस उपग्रह का किस ग्रह का प्लैनेट का सैटेलाइट सबसे ज़्यादा है, ठीक है। और सैटेलाइट सबसे ज़्यादा पहले तो जुपिटर का था, ठीक है, कहा जाता था कि जुपिटर का 69 थे, ठीक है, पहले माना जाता था कि जुपिटर के 79 है, बट अभी रिसेंटली नासा, देखो ये जो फिगर दिख रहा है, फोटो आपको दिख रहा है, ये मैंने नासा के ऑफिशियल साइट, देखो solarsystem.nasa.gov करके एक है, ठीक है ना, उनकी वेबसाइट है नासा वालों की, तो वो लोग अपलोड करते हैं यहाँ पे ये सब चीज़ें, तो वहाँ से मैंने डायरेक्टली लिया, ताकि जो चीज़ हो यहाँ पे मतलब ओरिजिनल हो आपको दिखाया जाए। तो पहले जुपिटर की थी, बट अब सैटर्न की हो गई है, देखो सैटर्न की 82 हो गई है और जुपिटर की 79, जिसमें से 53 दोनों के कन्फर्म है, 26-29 प्रोविजनल्स में आते हैं, ठीक है। और सबसे कम पूछेगा किसकी सैटेलाइट है, तो यहाँ पे देखो मरकरी और वीनस के तो एक भी सैटेलाइट ही नहीं है, ठीक है, तो ये चीज़ समझ लो। बाकी जो भी 8 ग्रह हैं प्लैनेट्स हैं, तो उनकी लाइन से मैंने दे दी है। अर्थ की एक होती है, अपना अर्थ का एक मून कौन सा है, तो वही मून ही है ना, सैटेलाइट को मून कहते हैं हम लोग, और मतलब चंद्रमा कहते हैं जनरली, चंद्रमा की वजह से इन सबको मून कहा जाता है उपग्रहों को। मार्स के दो हैं, और यहाँ पे आपको जुपिटर के दिखी रहे 79, और यहाँ पे 82 सैटर्न के, और यूरेनस के जो है 27, और नेपच्यून के 14 है, ठीक है। तो ये सभी चीज़ों को आपको याद कर लेना, ठीक है, और ये फोबोस और डिमोस होते हैं मार्स के होते, तो ये भी याद करके जाना एग्जाम से पहले। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, कि देखो भारत का पहला बैंक कौन था,
अभी देखो विकिपीडिया से मैंने डायरेक्टली इसको ले ही लिया फोटो, ताकि आपको जो भी है बिल्कुल भी ऑथेंटिक चीज़ें मिले, कुछ भी फेक चीज़ें नहीं, ठीक है। विकिपीडिया से मैंने ये चीज़ ले ली फोटो, और यहाँ पे देखो सबसे पहले दिखाया जा रहा है उसमें विकिपीडिया गूगल के अकॉर्डिंग, सबसे पहला जो बैंक ऑफ बॉम्बे को फाउंडिंग किया गया था 1720 में, और 1770 में इसको, मतलब 1770 में इसको क्लोज कर दिया गया। बैंक ऑफ हिंदुस्तान 1770 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है, बैंक ऑफ हिंदुस्तान 1770 में हुआ था और 1832 में बंद हो गया। वैसे वैसे करके ऐसे करके कुछ बैंक है, ठीक है। कुछ बच्चे कह रहे थे पिछली बार कि बैंक ऑफ कोलकाता हो गए, तो देख लो बैंक ऑफ कोलकाता 1806 में हुआ था स्टार्ट, और 1991 में बंद कर दिया गया उसको, बैंक ऑफ कोलकाता। तो ये याद करके रखना एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहला बैंक जो था बैंक ऑफ बॉम्बे था, और कभी कभी होता है ना एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट भी करते हैं पिछले वाले वाले। अभी देखो दही में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो दही में तो मैं बार बार पढ़ा रहा था कि आपको देखो दूध से दही बनाने के लिए आपको लैक्टोबैसिलस नाम के बैक्टीरिया का यूज़ करते हैं, ठीक है, और एसिड जो होता है लैक्टिक एसिड होता है, ठीक है, दूध में, और ये चीज़ इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आगे देखो कह रहा है NH1 की लंबाई कितनी पूछी गई थी, तो कि किलोमीटर में होगा, ठीक है, तो ऑब्वियसली सेंटीमीटर में नहीं होगा, किलोमीटर में। और आपको ये फोटो दिख रहा है जो कि गूगल से ही लिया गया, विकिपीडिया की है गूगल मैप के थ्रू, ठीक है। तो ये जो लेंथ इसकी है 534 किलोमीटर है, याद रखना पिछली बार एग्जाम में पूछा गया था इसी की लेंथ कितनी थी, ठीक है, और ये चीज़ देख सकते हो आप, और इसमें कुछ भी देख लेना चाहिए, ठीक है, बस इसकी लेंथ ही आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, 534 किलोमीटर। मतलब कहा जाए कि आपको एक दे दिया कि NH1 की लेंथ पूछी गई है, तो आपको और भी कुछ कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल हाईवेज की लेंथ पता होनी चाहिए, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो क्वेश्चन मैथ का एक पूछा गया था इसी से क्वेश्चन, कि दो संख्याओं का योग जो है 16 है और उसका अंतर जो है 8 है, तो दो छोटी संख्या बताओ, सो छोटी वाली संख्या बताओ। तो देखो दो संख्याओं का योग बोल रहा है, मतलब x प्लस वाई का वैल्यू अगर 16 है, ठीक है, और बोल रहा है x माइनस वाई का वैल्यू 8 है, तो छोटी संख्या कैसे बताओगे, माइनस प्लस कट जाएगा तो 2x जब जोड़ेंगे इसको तो, और ये 16 और कितना हो जाएगा 24, ये कट जाएगा तो कितना बचेगा 12, मतलब x का वैल्यू हमको यहाँ पर मिल गया 12, ठीक है, तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो x प्लस वाई का वैल्यू 16 था, तो 16 में से 12 घटा लोगे तो y का वैल्यू 4 आ जाएगा। तो देख लो बड़ी वाली संख्या 12 आ गई, छोटी वाली संख्या 4 हो गई, तो राइट आंसर अपने क्या हो जाएगा 4, करेक्ट आंसर है, ओके ना। चलो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, कि एक आयत का परिमाप 40 सेंटीमीटर है तथा क्षेत्रफल 82 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो आयत की लंबाई बताओ और लंबाई और चौड़ाई दोनों बताओ। देखो आयत का परिमाप क्या होता है, 2 × L + B, ठीक है, इसकी जो है परिमाप 40 सेंटीमीटर दे रखा है, और क्षेत्रफल एरिया क्या होता है, L × B, इसका वैल्यू दे रखा है 84, ठीक है। देखो अब ये दे रखा है, तो हमको ऑप्शन से इसको बना लेंगे लंबाई और चौड़ाई, ठीक है, हमको फॉर्मूला ज़्यादा नहीं खोजना है, हमको आंसर देख लेना है ऑप्शन में। देखो मल्टीप्लाई करने पे L और B को 84 आने चाहिए, और जोड़ने पे 40 आने चाहिए, सॉरी, ठीक है, मतलब L प्लस B यहाँ से कट के क्या हो जाएगा, B हो जाएगा, ठीक है, 20। लंबाई और चौड़ाई को जोड़ने पे 20 आना चाहिए, 2 × L + B था ना, तो लंबाई चौड़ाई को जोड़ने पे वैल्यू 20 आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करने पे 84 आना चाहिए। अब देख लो कौन से जोड़ रहे हैं, तो 20 आ रहा है, तो 16 × 4 को भी जोड़ोगे तो 20 आएगा, 14 × 6 को भी जोड़ेंगे तो 20 आएगा, 12 × 8 को भी जोड़ेंगे तो 20 आएगा, ठीक है, बट किसको किसको, 12 × 8 को मल्टीप्लाई करोगे तो 96 आएगा, 84 तो आएगा नहीं, ठीक है, 16 × 4 को करके देखो तो 6 × 24, 4 × 5 = 64 आ जाएगा, तो ये होगा नहीं, तो 14 × 6 को मल्टीप्लाई करके देखो 84 आ जाएगा, ठीक है, 14 × 6 को, तो ऑब्वियस है कि आंसर 14 × 6 हो जाएगा, लंबाई 14 सेंटीमीटर और चौड़ाई 6 सेंटीमीटर, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 14 × 6 जोड़ने पर भी 20 आ रहा, मल्टीप्लाई करने में भी 84 आ जा रहा, तो इस तरीके से हम इजीली से कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते थे यहाँ पे, ठीक है ना। चलो आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, भारत का प्रथम मिसाइल पूछा गया है कि कौन सा था, ठीक है, तो ये पृथ्वी था, ये इसमें बहुत ज़्यादा कुछ ध्यान नहीं लगाना, पृथ्वी प्रथम था, और ऑप्शन में भी यही सारे थे पिछली बार एग्जाम में। भारत में युद्ध स्मारक कहाँ पे है, ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैंने फोटो ही आपको दे दिया, नेशनल वॉर मेमोरियल जो आपका न्यू दिल्ली में इंडिया गेट के पास, तो ये चीज़ आपको याद रखना होगा, ठीक है ना, तो ये मे भी आपको फिर से एग्जाम में पूछा जा सके। आगे क्वेश्चन देखो क्या कह रहे हैं, फिर कह रहा है इफ़ कॉस थीटा इज इक्वल टू √3/2 देन 2 tan² + 1 tan² + 1 का वैल्यू बताओ। देखो कह रहा है ना कॉस थीटा इज इक्वल टू √3/2, अच्छा ये बताओ कॉस कितने का वैल्यू √3/2, देखो साइन √3/2 का वैल्यू मतलब होता है 60 डिग्री का वैल्यू, तो जस्ट कॉस उसका उल्टा हो जाएगा, साइन 60 का वैल्यू तो कॉस कितना का डिग्री हो जाएगा, 30 डिग्री का हो जाएगा, मतलब यहाँ पे थीटा बराबर कितना हो गया 30 डिग्री, यही ना, थीटा बराबर हमने निकाल दिया 30 डिग्री, तो अब फॉर्मूले में पुट कर दो 2 tan, यहाँ पे कह रहे ना 2 tan² θ, तो मतलब प्लस में 1 करो, तो 2 θ 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री का मतलब 30 डिग्री का वैल्यू बताओ कितना होता है, tan θ 30 डिग्री का वैल्यू कहता है 1/√3 होता है, ठीक है, 1/√3 का स्क्वायर कर दो और प्लस में 1 कर दो, कुछ करना नहीं था इसके अंदर,
ये क्या हो जाएगा, 2 × 1/3 + 1, ठीक है, मतलब इनको जोड़ दो, मतलब 2/3 + 1 करोगे तो 5/3 आ जाएगा, यही होगा ना आपका आंसर, तो 5/3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत ही आसान सा कंसेप्ट था, बस अर्थ है कि आपको ट्राइगोनोमेट्री आता हो तभी आसान कह सकते हो, अदरवाइज इसको मॉडरेट भी कुछ लोग कह देंगे, कुछ लोग डिफिकल्ट भी कह देते, तो सब डिपेंड करते हैं इजी मॉडरेट किस लेवल पे, जब बच्चा पढ़ेगा गया तो उसको इजी मॉडरेट लगेगा, जो नहीं पढ़ेगा गया तो उसको सिर्फ और सिर्फ डिफिकल्ट लगेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्टडी ऑफ एंशियंट सोसाइटी, ये इंग्लिश के क्वेश्चन पूछा गया था वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में, और वन वर्ड के लिए टेंशन मतलब ट्रिक इंग्लिश पे, जितना भी वन वर्ड इडियम फ्रेजेस सिनोनिम एंटोनिम कराया कर लेना एग्जाम से पहले, और मोस्टली प्रोबेबली चांसेस है कि वहाँ से ज़्यादा नहीं पूछा जाए, ठीक है। स्टडी ऑफ एंशियंट सोसाइटी को क्या कहते हैं हम लोग, एक्रियोलॉजी, ठीक है, और एंथ्रोपोलॉजी मतलब मानव विज्ञान होता है, तो यहाँ पे आर्कियोलॉजी को हम लोग कहते हैं क्या, स्टडी ऑफ एंशियंट सोसाइटी, मतलब प्राचीन काल के सोसाइटीज़ का जो अध्ययन करते हैं हम लोग, प्राचीन काल के, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ोगे वगैरह वगैरह, सभ्यताएँ आई गई उन सभी के बारे में पढ़ोगे तो आर्कियोलॉजी कहते हैं उनको। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है 12 नंबर में, देखो ए बी सी रेशियो ई एफ जी रेशियो जे के एल एम, ठीक है, तो बोल रहा है अगला क्या हो जाएगा, देखो ए बी सी कंटिन्यू है तीनों, ठीक है, इनके बाद रुको मैं जरा फिर से लिख दूँ, ए यहाँ पे है, बी है, यहाँ पे सी है, ये तीनों क्या है, ए बी सी कंटिन्यू है, इसके बाद कह रहा है ई एफ जी, ठीक है, तो इनके बीच में देखो ए बी सी कंटिन्यू, ई एफ जी कंटिन्यू, बट सी और ई के बीच में डी छूट गया है, ए गायब किया गया, तो जस्ट उसी तरीके हम लोग क्या करेंगे, जे के एल एम लिखेंगे, और एल के बाद क्या हो, एम के बाद क्या होता है, एन, एन को भूल जाओ, बाकी के चार लेटर को कंटिन्यू कर दो, ओ पी क्यू आर, यही होगा ना, तो ओ पी क्यू आर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इन सभी के आंसर भी मैं आपको आंसर की दे दूंगा पीडीएफ के अंदर, टेंशन मत लेना। बाकी 30 नंबर पूछा था कि ट्रांसफार्मर का कार्य क्या था, और ऑप्शन दिया नहीं था, ठीक है, बाकी ट्रांसफार्मर के कार्य के ऊपर मैंने बताया था आपको, ठीक है, ये अल्टरनेटिव करंट और डायरेक्ट करंट के साथ काम करते हैं, अब ये डिपेंड करता है कि ऑप्शन में क्या क्या दिया था, ठीक है ना। सिनोनिम ऑफ एल्योर, मुझे ऑप्शन मिला ही नहीं था उसका, एल्योर, ठीक है, एल्योर का ऑप्शन मतलब क्या होता है, जैसे किसी को लुभाना, ठीक है, तो किसी को लुभा रहे हो एल्योर का मतलब होता है, और डिस्ट्रैक्ट हेट रिपेल इन सभी का मतलब क्या होता है, दूर करना, अट्रैक्ट का मतलब आकर्षित करना, मतलब किसी को लुभा रहे हो आप वहाँ से, रिझा रहे हो अपनी तरफ, तो राइट आंसर ये हो जाएगा ना। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 15 नंबर क्वेश्चन मिल रहा है हमको ये, कि मान लो 14 नहीं है, कायदा ही सैकड़ा, हज़ार दस हज़ार लाख, 1,44,000 रुपये तीन दोस्तों के बीच, अनिल संजय और सनीत के बीच 3:2:7 के रेशियो में बांटा जाता है, तो अनिल को कितने रुपए मिलेंगे। क्लियरली इनका रेशियो है 3:2:7, ठीक है, अनिल का हो जाएगा 3 होगा, ठीक है, तो 3, 2 और 7 जोड़ने पे क्या आएगा, 12, यही होगा ना, तो हम लोग कैसे निकाल लेंगे, अनिल का था 3/12 × 144000, तो ये कट जाएगा 12 में, तो 12,000 × 3 मतलब 36,000 रुपये अनिल का हो गया, 36,000। वही दूसरे का पूछता है किसी का, संजय का, तो 3 × 2 मल्टीप्लाई करते, सनीत का पूछता तो 7 मल्टीप्लाई करते, इस तरीके से आप लोग इजीली कर सकते। तो गाइज आज के लिए इतना ही रहने देते हो, और इसकी मैंने आंसर की भी आपको दे दी है, ठीक है, आंसर की भी ले लेना, और ज़्यादा से इंपॉर्टेंट है वीडियो को लाइक करके जाना, अगर चाहते हो इसका अगला पार्ट आ जाए, मतलब और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं ढूंढ लूँ, तो कमेंट कर देना, मैं ढूंढने की कोशिश करूँगा। बाकी इस पीडीएफ का जो है, आप चाहो तो लिंक से भी बाई कर सकते हो, बट लिंक से प्रॉब्लम्स आ रही हैं कुछ किसी किसी को, तो बाकी आप लोग व्हाट्सअप पे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर लो, व्हाट्सअप नंबर का नंबर दे दिया मैंने अपने स्टाफ का, वो आपको डायरेक्टली हेल्प कर देंगे डिस्क्रिप्शन में, या फिर व्हाट्सअप नंबर लिख दो 7279047787, ठीक है, ये आपका अपने स्टाफ का व्हाट्सअप नंबर है, वो आपसे कॉन्टैक्ट कर लेंगे, आप मैसेज कर दो, कॉल मत करना बिकॉज कॉल उनका लगेगा नहीं, ठीक है, तो यहाँ से आप जाके बाई कर लेना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।